नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल देवालया में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नाखूनों से किस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं और नाखूनों के ही माध्यम से आप अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी को भी खत्म कर सकते हैं। चाहे परिवार में ग्रह कलेश चल रहा हो या फिर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हो, अपने दुश्मन को या फिर किसी को भी वशीकरण करना चाहते हो, तो अपने नाखूनों के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने नाखूनों को काट कर इधर उधर ही फेंकते रहते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर और बुरा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपके ही जीवन पर पड़ता है। क्योंकि नाखूनों से बहुत से ऐसे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, बहुत से ऐसे उपाय टोटके किए जाते हैं जिनसे कुछ भी किया जा सकता है, और जब आप इन्हें ऐसे ही काट कर इधर उधर फेंक देते हैं तो इससे आपका सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य ही जागृत होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नाखून काटकर इधर उधर ना फेंके, आपको जानकारी नहीं है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको नाखूनों का इस्तेमाल करना है और जिससे कोई भी दुर्भाग्य, कोई भी नेगेटिविटी आप पर ना पड़े, काटते समय नाखून कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। इसी प्रकार की बड़ी ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल देवालया में हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों जो लोग नए हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम बड़े ही ज्यादा खास उपाय आपके लिए लेकर आते हैं तो यह उपाय आपको आपके ही मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप नाखून काटते हैं तो इन्हें ऐसे ही काट कर ना फेंका करें, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण दिनों पर ही इन्हें काटा करें, जैसे बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन भी आप इन्हें काट सकते हैं। नाखून हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं और इन्हीं में आपकी संपूर्ण एनर्जी भी समाई होती है। जब ऐसे में इन्हें काट कर इधर उधर आप फेंक देते हैं तो इसी से जीवन में दुर्भाग्य बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजों को बताया गया है, लिखा गया है, जिनको करके आप अपने जीवन से हर प्रकार के दुश्मन को शांत कर सकते हैं, घर के ग्रह कलेश भी समाप्त कर सकते हैं और किसी को वशीकरण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप यह ध्यान रखें कि जब भी आप नाखून काटते हैं तो आपको अपने सीधे हाथ से ही शुरू करना है। पहले आपको अपने सीधे हाथ के नाखून काटने हैं, उसके बाद आपको अपने बाएं हाथ के नाखून काटने हैं। ध्यान दें दोस्तों कि सबसे पहले आपको दाएं हाथ के नाखून काटने हैं और उसी के बाद आपको बाएं हाथ के नाखून काटने हैं। और जब भी आप नाखून काटते हैं तो हाथ और पैरों के दोनों को ही एक साथ काटा करें और इन नाखूनों को काट कर इधर उधर ऐसे ही बिल्कुल भी ना फेंका करें, बल्कि आप इनको किसी भी पौधे में रख दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दुर्भाग्य, कोई भी नेगेटिविटी इन नाखूनों की वजह से ना आए, तो आप इन्हें काट कर किसी भी फूलों वाले पौधे में, किसी भी गमले में डाल दिया करें। और इसी के साथ अगर आपके जीवन में ग्रह कलेश बहुत ही ज्यादा होता है, आप बहुत ज्यादा चिंता में, परेशानी में फंसे ही रहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने सीधे हाथ के जो आपके नाखून हैं इनको आपको पूर्व दिशा में रखना है और उल्टे हाथ के जो नाखून हैं उनको आपको उत्तर दिशा में रखना है। इसी प्रकार से सीधे पांव के जो नाखून हैं उनको आपको दक्षिण दिशा में रखना है और जो उल्टे पैर के नाखून हैं उनको आपको पश्चिम दिशा में रखना है। महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ही आप नाखून काटते हैं, तो इसी प्रकार अगर नाखूनों को इन दिशाओं में रखते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कितना ज्यादा बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्या रहती है, काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि उनके जीवन में कोई भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिलती है। तो दोस्तों जो यह प्रयोग और यह उपाय जो हमने आपको बताया है, आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर रख लें और महीने में एक बार भी जब भी आप नाखून काटते हैं तो इन्हें दिशा अनुसार ही रखा करें। कुछ ही दिनों में आपको इसके बड़े ज्यादा अच्छे रिजल्ट खुद ही देखने को मिलेंगे कि आपके जीवन से ग्रह कलेश
बिल्कुल ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों में इतना ज़्यादा ग्रह कलेश होता है कि घर के सभी लोग आपस में एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों घर में ग्रह कलेश को शांत करने के लिए आप यह प्रयोग उपाय कर सकते हैं। यह बड़ी ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जो प्रयोग होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे होते हैं, यह बड़े ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इनका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हमेशा ही ऐसी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देवालया चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपने जीवन में चल रहे हर प्रकार के दुख को शांत कर सकें। घर से ग्रह कलेश को दूर करने के लिए यह जो उपाय हमने आपको बताया है, इसे आप जरूर कर देखें। अब बात करते हैं तंत्र शास्त्र में बताए हुए नाखूनों के प्रयोग के बारे में, जिनसे बड़ी ही आसानी से किसी को भी वशीकरण किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि आपको इसका भूल कर भी बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि यह ऐसे प्रयोग होते हैं कि अगर आप इनका प्रयोग गलत इस्तेमाल के लिए करते हैं तो इसका सीधा असर आप पर ही पड़ना शुरू हो जाता है। तो भूल कर भी इन्हें बिल्कुल मिसयूज ना करें। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी रहती है कि उनका पति वश में नहीं होता है, उनकी पत्नी वश में नहीं होती है, या फिर जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो वश में नहीं हो पाता है, जिससे उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन सभी परेशानियों के लिए दोस्तों अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप इस प्रयोग को करके जरूर ही लाभ उठाएँ, लेकिन भूल कर भी मिसयूज ना करें। अब दोस्तों अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन आपको अपने सीधे हाथ और उल्टे हाथ के नाखूनों को काट लेना है। ध्यान दें इस बात पर कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि दुश्मनों को आकर्षित करने के लिए, वशीकरण करने के लिए अलग विधि है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अपने प्यार को आकर्षित करने के लिए आप बुधवार के दिन का इस्तेमाल करें। उसी दिन अपने सीधे हाथ और उल्टे हाथ के नाखूनों को काट लें और सूरज जब निकलता है उसी समय में आपको अपने नाखूनों को किसी भी आम के पत्ते पर रखकर जला देना है। ध्यान से सुने दोस्तों कि जब सूरज ढल जाता है तब आपको यह प्रयोग नहीं करना है, सूरज की रोशनी में ही यह प्रयोग करना है। एक साफ सुथरा आम का पत्ता आपको ले लेना है, इसे अच्छे से धो लेना है और इस पर नाखूनों को रखकर जला देना है। इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से राख बना लेनी है। अगर यह नहीं जलते हैं तो आप कपूर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन किसी और चीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ कपूर का ही इस्तेमाल इनको जलाने के लिए आप कर सकते हैं। इनको जलाकर अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लें, राख बना लें और उस व्यक्ति को किसी भी खाने में या ऐसे ही मिलाकर दे दें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जो आपका प्यार है या जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से वशीकरण करना चाहते हैं, तो बस आपको उस व्यक्ति को इसे खाने को देना है। 4-5 दिन में ही आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार बड़ी ही आसानी से वह व्यक्ति आपके पूरे वश में हो जाएगा और आपका ही कहना मानने लगेगा। यह बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष उपाय हमने आपको बताया है, जो तंत्र शास्त्र में बताया गया है, और इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप इस वशीकरण प्रयोग का इस्तेमाल किसी दुश्मन को शांत करने के लिए, दुश्मन को वश में करने के लिए करना चाहते हैं, तब इसकी बिल्कुल अलग ही विधि है। उसमें आपको करना है कि शुक्रवार के दिन जब सूरज ढल जाता है तब आपको अपने नाखूनों को काटना है और पीपल का एक पत्ता ले लेना है। पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए आपको पहले ही जब सूरज होता है उसी समय पीपल का पत्ता तोड़ लेना है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी पीपल के पत्ते को ना छुएं, ना तोड़ें, इसलिए पहले ही तोड़कर रख लें। और शुक्रवार के दिन जब सूरज ढल जाता है तो अपने नाखूनों को काटकर पीपल के पत्ते पर रख कर कपूर की सहायता से इसे जलाकर अच्छी तरह से बिल्कुल राख बना लें और बस अपने किसी भी दुश्मन को, किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं, जो आपको दुखी करता है, परेशान करता है, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो इसी राख को आप उसे खाने को दें। आप खुद देखेंगे कि 4-5 दिन में किस प्रकार वह व्यक्ति आपके पूरे वश में हो जाएगा। लेकिन इनका भूल कर भी आपको मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिसयूज करना शुरू करेंगे तो इसका सीधा असर आप पर उल्टा ही होना शुरू हो जाएगा। अपने मन में
एक द्वेष की भावना रखते हुए बिल्कुल भी यह प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह बड़े ही ज्यादा प्रचंड और खास प्रयोग आज हमने आपको बताए हैं जो हमारे तंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। नाखूनों का इसी प्रकार इस्तेमाल करके किसी को भी वश में किया जा सकता है। दुश्मनों को शांत करने के लिए, दुश्मन को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने दुश्मन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वह हमेशा ही आपको परेशान करता रहता है, तो इस प्रयोग को करते ही आप खुद देखेंगे कितना ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में निश्चित ही आ जाएगा। ध्यान दें दोस्तों कि दुश्मनों को अगर वश में करना है तो यह पूरा प्रयोग सूरज ढलने के बाद शुक्रवार के दिन ही आपको करना है। बस इसी प्रकार से आप अपने नाखूनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बड़ी ही ज़्यादा खास और गुप्त जानकारी हमने आपको बताई है। इसी प्रकार की और भी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा ही पाने के लिए तुरंत देवालय चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस प्रयोग में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को लाइक करके तुरंत शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है तो इस वीडियो से उनकी भी मदद हो जाए और उनको भी जानकारी मिल जाए और वह भी अपने जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर कर सकें। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल देवालय।